What's up people, welcome to my channel. This is Biker KINGSTON'S vlog और आज हम लोग बात करेंगे Honda की newly launch XBlade बाइक के बारे में. तो कुछ दिनों पहले, कुछ दिन नहीं, कल परसों, हाँ परसों मैं गया था Honda showroom और वहाँ पे XBlade आ चुका था और उसी का walk around एक वीडियो बनाया हूँ. तो उसके बारे में एक वीडियो बनाना था तो वही मैं आज बना रहा हूँ. तो ये जो बाइक का स्पेसिफिकेशंस है वो सब आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो वो सब बड़बड़ करके बताने का कोई मतलब नहीं होता, फालतू बेकार में वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं होता. तो अगर आपको इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहाँ पर आपको सारा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो वीडियो देखते हैं. डिज़ाइनिंग है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइनिंग है और जो चीज़ मैंने नोटिस किया है वो है हेडलैम्प, वो बहुत ही आई कैचिंग हेडलैम्प है और रोबोटिक या फिर फ्यूचरिस्टिक या फिर एलियनियस्टिक बोल लो, उस टाइप का एक हेडलैम्प मिलता है आपको इस बाइक में जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग एलिमेंट है इस बाइक में. और जो ओवरऑल डिज़ाइन है बाइक का बहुत ही ज़्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, लेकिन ऑल ओवर जो पैकेज मिलता है बाइक का वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. पर्सनली बोल रहा हूँ, किसी और को शायद अच्छा लग भी सकता है लेकिन पर्सनली मेरा टेस्ट का डिज़ाइन नहीं है ये. मुझे इसका जो सीट है बहुत ही ज़्यादा लंबा लगा जो कि इसका लुक्स को थोड़ा बहुत ख़राब कर रहा है. और जो इस बाइक का सबसे बुरा चीज़ मुझे लगा डिज़ाइनिंग में वो है इसका जो एग्जॉस्ट है काफ़ी कॉमन टाइप का डिज़ाइनिंग है और बहुत ही ज़्यादा बल्की है. तो इसको ये जो एग्जॉस्ट है ये इस बाइक का डिज़ाइन को थोड़ा बहुत ख़राब कर रहा है. तो ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा. और इस बाइक में ABS नहीं है और इस बाइक का जो बेस है वो हॉर्नेट से बना हुआ है. और तो इस बाइक का जो दूसरी बात मुझे सबसे अच्छा लगा और वो है इसका माइलेज. 160cc सेगमेंट में कंपनी 45-50 माइलेज क्लेम कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी माइलेज है, बहुत ही सेटिस्फाइंग माइलेज है एक 160cc बाइक के लिए. तो ये बाइक, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और होंडा का जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ होता है तो यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा. तो
ये बात मैं अगले वीडियो पे करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पहले ये इस बाइक का टेस्ट राइड लेना है, ये बाइक कैसा परफॉर्म करता है और कंफर्ट कैसा है, और उसके बाद ही मैं इस चीज़ को डिटेल में बात करूँगा। तो उस दिन मैं इस बाइक का टेस्ट राइड नहीं ले पाया, तो एक दो दिन में या फिर तीन चार दिन या फिर एक हफ्ते में इसका राइडिंग फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस वाला वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, मेरे चैनल को, और सपोर्ट दिखाओ। जल्दी इसका टेस्ट राइड वाला वीडियो आ चुका है, तो मैं इसका और भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।